नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है ओए मखना और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओए मखना एक पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे सरेगामा लेबल बनाया गया है। फिल्म का निर्देशक सिमरजीत सिंह ने किया है। फिल्म में एमी विर्क, तानिया, गुग्गु, गिल और सिद्धिकी शर्मा है। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। मखन जब किसी लड़की को आखिरी डेट में आंखों में देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है तो मखन से उसे मिलाने के लिए उस संभव कोशिश करते हैं। हालांकि चीज़ें एक अराजकित मोड़ लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने वास्तव में गलत लड़की के साथ उसकी शादी तय कर ली है। जैसे जैसे भ्रम दूर करना का दावा बढ़ता है, उनकी परिवार की अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़ाई लड़की के साथ लड़ने के कई रास्ता खोज पाएगा? ढालना माखन उर्ख के रूप में, अम्मी विर्क, तानिया रिश्तन के रूप में, सिस्ता के रूप में, गुनगुनी गिल झुंझु के रूप में, सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरशेष पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर चहल, अरनेक सिंह के रूप में, दीदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, चढ़ गई गाने में डांसर के रूप में रिहाई। ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.5/5। कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंदा एक फली में दो टमाटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है। उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है। हालांकि वे चाचा भतीजे हैं, लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे। वो पागल, वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सरपत नहीं करता है। वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दांव पर लगा जाती है। और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के छी पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म जगन को अपनी उद्धृत रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक राश और अलग बताती, ये भावनाओं का तथ्य केश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा निश्चित ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है। ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को भवीभूत कर सकता है। इसमें प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिंदा गुग्गु गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी एक द्वारा अभिनीत है। बीच के बंधन की होगी कीमत। फ्रेंचाइजी में हमने इमी को हमेशा गुग्गु की गिल से डरते हुए देखा है क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन आम और मखना में गुग्गु पड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताज़ा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है और उनका बंधक फिल्म का लगभग हर चीज़ पर हावी हो जाता है। ये तरफ जहां गुग्गु गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी, दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं, लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहां वो अपने चाचा को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का
प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के फिमोल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की ये फिल्म तानिया और इसी के साथ पंचमी फिल्म है। पिछली चार फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी बनने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग गया है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है जो किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यवहारिक और मन तक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पाल, मुखविंदर चहल, सिद्दीकी शर्मा, दिदार गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है। हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन ऐसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ जमेजेदार और भावुक स्वभाव भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीफ होती है वो है एक मजबूत रिश्ते। निर्देशक बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम करना सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है जो उस छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है लेकिन ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संबंधित कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है। सुर्खियों में आने के बाद इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने असी निकलते हुए किया जा सकता है। निक्का जैसे अदालत में थिएटर की पेशकश करने पर निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेता और निर्देशक को जोड़ी फिल्म की कई बार साझेदारी की थी जैसे कि निक्का जेलदार फ्रेंचाइजी की सभी तीन फिल्मों में मुकाबला और अंग्रेज वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के कथानक देखा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए प्रफुल्लित करने वाली लंबाई में जाते हैं। पूरी तरह से अराजकता लगाल करती है वो खोजने के लिए उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है। इसे ऐसे लंबत को कटाते हैं दावा बढ़ता जाता है उनके परिवार को अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख खोजेंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक फली में पांच मटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट है। उनका सौदाई हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है। वे चाचा और भतीजे हैं। उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है इसीलिए वो जल्द ही नजर में आखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो हर पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो सिंधे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़की से शादी कर देते हैं। हर कोई उसे लगालत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है। वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है लेकिन ऐसा करने में सिंधा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी है। माखन और सिंधे के बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की के पीछे जाना
जाता है और यह अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टार कास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम शौकीन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह, जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत टू सिर्फ वीर के दिखाया गया, एक बार फिर ओमी वीर के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलबड़ी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे संगीत वीडियो में देखा। संगीत दावा है अन्न चाचा भतीजा चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं को शुरू करते हैं, अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतर और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतर में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जानी सिंह और पीर के बीच छठा सहयोग ना है, जिन्होंने पहले अंग्रेजी 2015 निकला जेलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में साथ काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया, जो सरेगमा इंडिया के फिल्म खास शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी। यह तमिल और मराठी फिल्म दो की में प्रवेश करने के बाद पंजाबी निर्मा सिनेमा में प्रवेश करेगा। माखन उर्ख के रूप में अमी विर्क, तानिया रिश्तल के रूप में सिस्ता के रूप में गुनगुनी गिल, जुंगे के रूप में सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरसेस पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर चहल, अरनेक सिंह के रूप में दीदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, जर गई चढ़ गई गाने में डांसर के रूप में रिहाई। ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.5/5। कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंधा एक फली में दो मटर की तरह है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है। उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है। हालांकि वे चाचा भतीजे हैं, लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है, तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे। वो पागल, वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सरबत नहीं करता है। वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दाव पर लगा जाती है। और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के छी पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म जगन को अपनी उद्धृत रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक राश और अलग बताती, ये भावनाओं का तथ्य मुकेश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा दृष्टि। ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है, ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं, और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को भवीभूत कर सकता है। इसमें तो प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिंधा गुग्गू गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी एक द्वारा अभिनीत है। बीच के वर्धन के होगी कीमत फ्रेंचाइजी में हमने इमी को हमेशा गुग्गू की गिल से डरते हुए देखा है, क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आम और मखना में गुग्गू पड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताज़ा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है और उनका बंधक फिल्म का लगभग हर चीज पर हावी हो जाता है। ये तरफ जहां गुग्गू गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और
शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी। दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं, लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहां वो अपने चाचा को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है, और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के फिमोल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की, ये फिल्म तानिया और इसी के साथ पंचवीं फिल्म है। पिछली चार फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी बनने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग गया है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है जो किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यवहारिक और मनोहत्तक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पल, मुखविंदर चहल, सिद्दीकी शर्मा, दिदार गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है, और हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन ऐसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सोटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ जमेजेदार और भावुक स्वभाव भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीख होती है वो है एक मजबूत रिश्ते। निर्देशक बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम करना सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है जो उस छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है, लेकिन ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संबंधित कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है। सुर्खियों में आने के बाद ये इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने असी निकलते हुए किया जा सकता है। अंजजीत निक्का जैसे अदालत में थिएटर की पेशकश करने पर निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेताओं निर्देशक को जोड़ी से फिल्म की कई बार साझेदारी की थी, जैसे कि निक्का जेलदार फ्रेंचाइजी के सभी तीन फिल्मों में मुकाबला और अंग्रेज वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के कथानक देशा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए प्रफुल्लित करने वाली लंबाई में जाते हैं, पूरी तरह से अराजकता लड़ाई करती है। वो खोजने के लिए उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है। जैसे लंबत को कटाते हैं दावा बढ़ता जाता है, उनके परिवार को अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख खोजेंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक फली में पांच मटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट है। उनका सौदाई हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है। वे चाचा और भतीजे हैं, उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसीलिए वो जल्द ही नजर में आखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो सिंधे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़ से शादी कर देते हैं।
हर कोई इसे गलत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है। वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में शिंदा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी है। माखन और शिंदे के बूढ़े बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की उनके पीछे पीछे जाना जाता है और यह अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टार कास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम शौकीन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह, जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत टू सिर्फ विर्क दिखाया गया, एक बार फिर एमी विर्क के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलपरी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे संगीत वीडियो में देखा। संगीत दावा है अन्न चाचा भतीजा चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं को शुरू करते हैं, अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतत और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतत में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जानी सिंह और वीर के बीच छठा सहयोगना है, जिन्होंने पहले अंग्रेजी 2015 निकला जेलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में साथ काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया, जो सरेगमा इंडिया के फिल्म खास शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी। यह तमिल और मराठी फिल्म उद्योगी में प्रवेश करने के बाद पंजाबी निर्मा सिनेमा में प्रवेश करेगा। माखन उर्ख के रूप में अम्मी विर्क, तानिया रिश्तन के रूप में सिस्ता के रूप में गुनगुनी गिल, जुंगे के रूप में सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरशेष पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर चहल, अरनेक सिंह के रूप में दीदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, चढ़ गई गाने में डांसर के रूप में रिहाई। ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.5/5। कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंधा एक फली में दो मटर की तरह है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है। उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है। हालांकि वे चाचा भतीजे हैं, लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है, तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे। वो पागल वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सरपद नहीं करता है। वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दांव पर लगा जाती है। और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के छी पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म जगन को अपनी अतिरिक्त रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक राश और अलग बताती, ये भावनाओं का तथ्य राकेश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा दृष्टि। ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है, ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं, और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को भावभूत कर सकता है।
हम इसमें प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिद्धा गुग्गू गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी एक द्वारा अभिनीत है। बीच के बंधन की होगी कीमत। फ्रेंचाइजी में हमने इमी को हमेशा गुग्गू की गिल से डरते हुए देखा है, क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आम और मखना में गुग्गू पड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताज़ा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है और उनका बंधन फिल्म का लगभग हर चीज़ पर हावी हो जाता है। ये तरफ जहां गुग्गू गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी, दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं, लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहां वो अपने चाचा को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है, और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के फिल्मोल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की, ये फिल्म तानिया और इसी के साथ पंचवीं फिल्म है। पिछली चार फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है, जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी बनने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग गया है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है, जो किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यवहारिक और मनोत्तक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है, बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पल, मुखविंदर चहल, सिद्धिकी शर्मा, दीदार गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है, और हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन ऐसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ मजेदार और भावुक स्वभाव भी है, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीख होती है वो है एक मजबूत रिश्ते। देश निर्देशक बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम करना सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है, जो उस छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है, लेकिन ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी है। कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संबंधित कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है। सुर्खियों में आने के बाद इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने असी निकलते हुए किया जा सकता है। अंजजीत निक्का जैसे अदालत में थिएटर की पेशकश करने पर निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेता और निर्देशक को जोड़ी से फिल्म की कई बार साझेदारी की थी, जैसे कि निक्का जेलदार फ्रेंचाइजी की सभी तीन फिल्मों में मुकाबला और अंग्रेज वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के कथानक देखा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए खुशबूत करने वाली लंबाई में जाते हैं, पूरी तरह से अराजकता लगा करती है वो खोजने के लिए। उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है, जिसे से लंबत को कटाते हैं दावा बढ़ता जाता है उनके परिवार को, अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख हो जाएंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक
फली में पांच मटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट टूट है। उनका सौदाई हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है। वे चाचा और भतीजे हैं। उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है, इसीलिए वो जल्द ही नजर में आंखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो सबसे अच्छे दोस्त को अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो शिंदे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़की से शादी कर देते हैं। हर कोई जिसे लगालत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में शिंदा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी। माखन और शिंदे के बुरे बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की उनके पीछे जाना जाता है और यह अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टारकास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम शौकीन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह, जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत टू सिर्फ विर्क दिखाया गया, एक बार फिर एमी विर्क के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलबड़ी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे संगीत वीडियो में देखा। संगीत दावा अन्न चाचा भतीजा चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं को शुरू करते हैं, अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतत और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतत में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जानी सिंह और पीर के बीच छठा सहयोग न है, जिन्होंने पहले अंग्रेजी 2015 निकला जेलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में साथ काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया, जो सरेगमा इंडिया के फिल्म शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी। यह तमिल और मराठी फिल्म उद्योगी में प्रवेश करने के बाद पंजाबी निर्माण सिनेमा में प्रवेश करेगा। माखन उर्ख के रूप में, अम्मी विर्क तानिया, मिस्टर के रूप में सिस्ता के रूप में गुनी गिल, झुंडू के रूप में सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरसेस पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर चहल, अरनेक सिंह के रूप में दीदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, जर गई चढ़ गई गाने में डांसर के रूप में रिहाई। ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.5/5, कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंधा एक फली में दो मटर की तरह है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है। उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है, हालांकि वे चाचा भतीजे हैं लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपनी चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे। वो पागल वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सरबत नहीं करता है। वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है, हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दांव पर लगा जाती है। और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म जगन को अपनी अद्वितीय रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक राश और अलग बताती, ये भावनाओं का तथ्य राकेश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा
जिसकी ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है, ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं, और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को भविभूत कर सकता है। इसमें प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिद्धा गुग्गू गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी द्वारा अभिनीत है। बीच के बंधन की होगी कीमत। फ्रेंचाइजी में हमने इमी को हमेशा गुग्गू की गिल से डरते हुए देखा है, क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आम और मखना में गुग्गू बड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताज़ा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है और उनका बंधक फिल्म का लगभग हर चीज पर हावी हो जाता है। ये तरफ जहां गुग्गू गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी, दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं, लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहां वो अपने चाचा को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है, और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के प्रमोल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की, ये फिल्म तानिया और इसी की साथ पंचमी फिल्म है। पिछली चार फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी भरने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग गया है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है जो किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पाल, मुखविंदर चहल, सिद्धिकी शर्मा, दिदात गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है, और हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन ऐसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ जमेजेदार और भावुक स्वभाव भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीख होती है वो है एक मजबूत रिश्ते। निर्देशक बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम करना सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है, जो उस छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है, लेकिन ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी है। कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संगीत कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है। सुर्खियों में आने के बाद ही इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने असी निकलते हुए किया जा सकता है। अंजजीत निक्का जैसे अदालत में थिएटर की पेशकश करने पर निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेताओं निर्देशक को जोड़ी से फिल्म की कई बार साझेदारी की थी, जैसे कि निक्का जेलदार फ्रेंचाइजी के सभी तीन फिल्मों में मुकाबला और अंग्रेज वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई।
फिल्म के कथानक देशा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए पब्लिक करने वाली लंबाई में जाते हैं, पूरी तरह से अराजकता लगा करती है वो खोजने के लिए। उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है, इसे लंबत को कटाते हैं दावा बढ़ता जाता है, उनके परिवार को अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख खोजेंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक फली में पांच मटर की तरह है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट टूट है। उनका सौदाई हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है, वे चाचा और भतीजे हैं, उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है, इसीलिए वो जल्द ही नजर में आखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो सिंधे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़की से शादी कर देते हैं। हर कोई इसे लगालत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है, वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में सिंधा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी है। माखन और सिंधे के बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की उनके पीछे पीछे जाना जाता है और या अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टार कास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम शौकीन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह, जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत टू सिर्फ विर्क के दिखाया गया, एक बार फिर एमी विर्क के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलबड़ी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे संगीत वीडियो में देखा। संगीत दावाएं अन्न चाचा भतीजा चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं को शुरू करते हैं, अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतत और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतत में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जानी सिंह और पीर के बीच छठा सहयोग न है, जिन्होंने पहले अंग्रेजी पंद्रह निकल जीत निकला जलदार निकला जलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में साथ काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया, जो सरेगमा इंडिया के फिल्म शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी। यह तमिल और मराठी फिल्म उद्योगी में प्रवेश करने के बाद पंजाबी निर्मा सिनेमा में प्रवेश करेगा। माखन उर्ख के रूप में अम्मी विर्क, तानिया रिश्तन के रूप में सिस्ता के रूप में गुनगुनी गिल, जिंगे के रूप में सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरशेस पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर चहल, अरनेक सिंह के रूप में दीदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, चढ़ गई गाने में डांसर के रूप में रिहाई। ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.55, कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंधा एक फली में दो मटर की तरह है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है, उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है। हालांकि वे चाचा भतीजे हैं लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है, इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे। वो पागल वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सहमत नहीं करता है, वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ
झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दांव पर लगा जाती है। और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म जगन को अपनी अद्वितीय रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक राश और अलग बताती, ये भावनाओं का तथ्य केश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है, ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को भवीभूत कर सकता है। इसमें तो प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिद्धा गुग्गु गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी एक द्वारा अभिनीत है। बीच के बंधन की होगी कीमत फ्रेंचाइजी में हमने एमी को हमेशा गुग्गु की गिल से डरते हुए देखा है क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन आम और मखना में गुग्गु पड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताज़ा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है और उनका बंधन फिल्म का लगभग हर चीज़ पर हावी हो जाता है। ये तरफ जहां गुग्गु गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी, दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं, लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहां वो अपने चाचा को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के फिल्मोल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की, ये फिल्म तानिया और इसी के साथ पंचमी फिल्म है। पिछली चार फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी भरने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग गया है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है जो किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यवहारिक और मनोवृत्तक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पल, मुखविंदर चहल, सिद्धिकी शर्मा, दिदार गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है और हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन इसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सोटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ जमेजेदार और भावुक स्वभाव भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीख होती है वो है एक मजबूत रिश्ते। निर्देशक बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है जो उस छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है, लेकिन कि ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी है। कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संबंधित कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है। सुर्खियों में आने के बाद ये इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने असी निकलते हुए किया जा सकता है। अंजनिक निकल निक्का जैसे अदालत
में थिएटर की पेशकश करने वाले निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेता और निर्देशक को जोड़ी से इन फिल्म की कई बार साझेदारी की थी, जैसे कि निक्का जेलदार फ्रेंचाइजी की सभी 3 फिल्मों में मुकाबला और अंग्रेज वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के कथानक देखा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए प्रफुल्लित करने वाली लंबाई में जाते हैं, पूरी तरह से अराजकता लड़ाई करती है वो खोजने के लिए। उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है। इसे लंबत को कटाते हैं दावा बढ़ता जाता है उनके परिवार को, अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख खोजेंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक फली में 5 मटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट टूट है। उनका सौदाई हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है। वे चाचा और भतीजे हैं, उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसीलिए वो जल्द ही नजर में आखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो हाँ पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो सिंधे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़की से शादी कर देते हैं। हर कोई उसे लगालत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है। वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में सिंधा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी है। माखन और सिंधे के बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की के पीछे जाना जाता है और या अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टारकास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम सौकेन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह, जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत 2 सिर्फ विर्क के दिखाया गया, एक बार फिर एमी विर्क के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलपरी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे संगीत वीडियो में देखा। संगीत दावा अन्न चाचा भतीजा चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं को शुरू करते हैं, अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतत और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतत में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जानी सिंह और पीर के बीच छठा सहयोग न है, जिन्होंने पहले अंग्रेजी 2015 निकला जेलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में 7 काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया, जो सरेगमा इंडिया के फिल्म खास शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी। यह तमिल और मराठी फिल्म उद्योगी में प्रवेश करने के बाद पंजाबी निर्मा सिनेमा में प्रवेश करेगा। माखन उर्ख के रूप में अमी विर्क, तानिया रिश्तल के रूप में सिस्ता के रूप में गुनगुनी गिल, जुंगे के रूप में सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरशेष पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर चहल, अरनेक सिंह के रूप में दीदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, जर गई चढ़ गई गाने में डांसर के रूप में रिहाई। ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.5/5। कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंधा एक फली में 2 मटर की तरह है। एक
दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है। उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है। हालांकि वे चाचा भतीजे हैं, लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है, तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपनी चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे। वो पागल वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सरपद नहीं करता है। वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दांव पर लगा जाती है। और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के छी पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म जगन को अपनी अद्वितीय रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है, और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक राश और अलग बताती, ये भावनाओं का तथ्य राकेश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है। ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं, और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को भवीभूत कर सकता है। इसमें तो प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिद्धा गुग्गू गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी एक द्वारा अभिनीत है। बीच के बंधन के होगी कीमत फ्रेंचाइजी में हमने एमी को हमेशा गुग्गू की गिल से डरते हुए देखा है, क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आम और मखना में गुग्गू बड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताज़ा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है और उनका बंधक फिल्म का लगभग हर चीज पर हावी हो जाता है। ये तरफ जहाँ गुग्गू गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी, दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं, लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहाँ वो अपने चाचा को चोट पहुँचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है, और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के फिल्मोल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की, ये फिल्म तानिया और इसी के साथ पंचमी फिल्म है। पिछली चार फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है, जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी भरने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग गया है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है, जो किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है, बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पाल, मुखविंदर चहल, सिद्धिकी शर्मा, दिदात गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है, और हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन ऐसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सोटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ जमेजेदार और भावुक स्वभाव भी है, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीख होती है वो है एक मजबूत रिश्ते। निर्देशक बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम करना
करना सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है, जो उसे छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है, लेकिन कि ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी है। कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संबंधित कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है सुर्खियों में आने के बाद। इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने असी निकलते हुए किया जा सकता है। अंजजीत निक्का जैसे अदालत में थिएटर की पेशकश करने पर निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेताओं निर्देशक को जोड़ी से फिल्म की कई बार साझेदारी की थी, जैसे कि निक्का जेलदार फ्रेंचाइजी के सभी तीन फिल्मों में मुकाबला और अंग्रेज वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के कथानक देशा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए प्रफुल्लित करने वाली लंबाई में जाते हैं, पूरी तरह से अराजकता लगा करती है वो खोजने के लिए। उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है। जैसे जैसे लंबत को कटाते हैं दावा बढ़ता जाता है उनके परिवार को, अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख खोजेंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक फली में पांच मटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट है। उनका सौदाई हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है। वे चाचा और भतीजे हैं, उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसीलिए वो जल्द ही नजर में आखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो हाँ पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो सिंधे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़की से शादी कर देते हैं। हर कोई उसे लगालत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है। वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में सिंधा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी है। माखन और सिंधे के बुरे बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की उनके पीछे जाना जाता है और यह अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टार कास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम शौकीन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह, जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत टू सिर्फ विर्क दिखाया गया, एक बार फिर एमी विर्क के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलबड़ी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे संगीत वीडियो में देखा। संगीत दावा है अन्न चाचा भतीजा चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं को शुरू करते हैं, अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतत और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतत में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जानी सिंह और वीर के बीच छठा सहयोगना है, जिन्होंने पहले अंग्रेजी 2015 निकला जेलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में साथ काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया, जो सरेगमा इंडिया के फिल्म खास शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी। यह तमिल और मराठी फिल्म उद्योगी में प्रवेश करने के बाद पंजाबी निर्मा सिनेमा में प्रवेश करेगा। माखन उर्ख के रूप में, अम्मी विर्क तानिया, रिश्तन के रूप में सिस्ता के रूप में गुनगुनी गिल, झुंझु के रूप में सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरशेष पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर चहल, अरनेक सिंह के रूप में दीदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, चढ़ गई
गाने में डांसर के रूप में। रिहाई ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.5/5, कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंधा एक फली में दो मटर की तरह है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है। उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है। हालांकि वे चाचा भतीजे हैं, लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है, तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे। वो पागल वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सरपद नहीं करता है। वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दांव पर लगा जाती है। और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के छी पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म जगन को अपनी अद्वितीय रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है, और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक राश और अलग बताती, ये भावनाओं का तथ्य राकेश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा दृष्टि। ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है, ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं, और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को भवीभूत कर सकता है। इसमें तो प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिंधा गुग्गू गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी एक द्वारा अभिनीत है। बीच के बंधन के होगी कीमत फ्रेंचाइजी में हमने इमी को हमेशा गुग्गू की गिल से डरते हुए देखा है, क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आम और मखना में गुग्गू पड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताजा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है, और उनका बंधक फिल्म का लगभग हर चीज पर हावी हो जाता है। ये तरफ जहां गुग्गू गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी, दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं, लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहां वो अपने चाचा को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है, और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के फिल्मोल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की, ये फिल्म तानिया और इसी की साथ 5वीं फिल्म है। पिछली 4 फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है, जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी बनने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग्य है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है, जो किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यवहारिक और मनोहत्तक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है, बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पाल, मुखविंदर चहल, सिद्धिकी शर्मा, दिदात गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है, और हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन
इसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ मजेदार और भावुक स्वभाव भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीख होती है वो है एक मजबूत रिश्ते। निर्देशक बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम करना सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है, जो उस छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है, लेकिन कि ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी है। कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संगीत कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है। सुर्खियों में आने के बाद इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने अशीक निकलते हुए किया जा सकता है। निक्का जैसे अदालत में थिएटर की पेशकश करने पर निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेता और निर्देशक को जोड़ी ने फिल्म की कई बार साझेदारी की थी, जैसे कि निक्का, जेलदार फ्रेंचाइजी के सभी तीन फिल्मों में मुकाबला और अंग्रेज, वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई, हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के कथानक देखा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए प्रफुल्लित करने वाली लंबाई में जाते हैं, पूरी तरह से अराजकता लगाल करती है। वो खोजने के लिए उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है। जैसे जैसे लंबत को कटाते हैं दावा बढ़ता जाता है, उनके परिवार को अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख खोजेंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक फली में पांच मटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट है। उनका सौदाई हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है। वे चाचा और भतीजे हैं, उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसीलिए वो जल्द ही नजर में आखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो सिंधे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़की से शादी कर देते हैं। हर कोई उसे लगालत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है। वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में सिंधा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी है। माखन और सिंधे के बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की के पीछे जाना जाता है और या अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टार कास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम शौकीन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह, जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत टू सिर्फ विर्क दिखाया गया, एक बार फिर एमी विर्क के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलबड़ी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे संगीत वीडियो में देखा। संगीत दावाएं अन्न, चाचा भतीजा, चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं को शुरू करते हैं, अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतत और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतत में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जानी सिंह और वीर के बीच
छठा सहयोगना है जिन्होंने पहले अंग्रेजी 2015 निकल जीत निकला जलदार निकला जलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में साथ काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया जो सरेगामा इंडिया के फिल्म खास शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी यह तमिल और मराठी फिल्म उद्योगी में प्रवेश करने के बाद पंजाबी निर्मा सिनेमा में प्रवेश करेगा। माखन उर्ख के रूप में अम्मी विर्क, तानिया रिश्तवन के रूप में सिस्ता के रूप में गुनगुनी गिल, झुंझुन के रूप में सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरशेष पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर चहल, अरनेक सिंह के रूप में दीदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, जर गई चढ़ गई गाने में डांसर के रूप में रिहाई। ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.5/5, कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंधा एक फली में दो मटर की तरह है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है, उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है। हालांकि वे चाचा भतीजे हैं लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है, इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपनी चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे, वो पागल वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सरबत नहीं करता है, वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दांव पर लगा जाती है और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के छी पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म जगन को अपनी अतिरिक्त रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक राश और अलग बताती ये भावनाओं का तथ्य राकेश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा दृष्टि ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है, ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को भवीभूत कर सकता है। इसमें तो प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे जिसकी शुरुआत सिंधा गुग्गू गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी एक द्वारा अभिनीत है। बीच के बंधन के होगी कीमत फ्रेंचाइजी में हमने इमी को हमेशा गुग्गू की गिल से डरते हुए देखा है क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन आम और मखना में गुग्गू बड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताज़ा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है और उनका बंधक फिल्म का लगभग हर चीज पर हावी हो जाता है। ये तरफ जहां गुग्गू गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी, दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहां वो अपने चाचा को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के फिल्मोल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की, ये फिल्म तानिया और इसी के साथ पंचमी फिल्म है। पिछली 4 फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी भरने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग गया है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है जो किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यावहारिक और मन
हद तक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पाल, मुखविंदर चहल, सिद्दीकी शर्मा, दीदार गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है और हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन ऐसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ जमेजेदार और भावुक स्वभाव भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीख होती है वो है एक मजबूत रिश्ते। निर्देशक बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम करना सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है जो उसे छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है लेकिन कि ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी है। कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संबंधित कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है। सुर्खियों में आने के बाद ये इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने असी निकलते हुए किया जा सकता है। अंजजिक निक्का जैसे अदालत में थिएटर की पेशकश करने पर निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेताओं निर्देशक को जोड़ी इन फिल्म की कई बार साझेदारी की थी जैसे कि निक्का, जेलदार फ्रेंचाइजी की सभी तीन फिल्मों में मुकाबला और अंग्रेज वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के कथानक देखा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए प्रफुल्लित करने वाली लंबाई में जाते हैं। पूरी तरह से अराजकता लगा करती है वो खोजने के लिए उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है। जैसे जैसे लंबत को कटाते हैं दावा बढ़ता जाता है उनके परिवार को अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख खोजेंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक फली में पांच मटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट है। उनका सौदाई हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है। वे चाचा और भतीजे हैं। उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसीलिए वो जल्द ही नजर में आखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो हाँ पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो सिंधे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़की से शादी कर देते हैं। हर कोई उसे लगालत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है। वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है लेकिन ऐसा करने में सिंधा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी है। माखन और सिंधे के बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की के पीछे जाना जाता है और या अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टार कास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम शौकीन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत टू सिर्फ विर्क दिखाया गया एक बार फिर एमी विर्क के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलबड़ी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे संगीत वीडियो में देखा। संगीत दावा है अन्न चाचा भतीजा चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं को शुरू करते हैं अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और
मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतत और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतत में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जानी सिंह और फिर के बीच छठा सहयोग न है, जिन्होंने पहले अंग्रेजी 2015 निकला जेलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में साथ काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया, जो सरेगमा इंडिया के फिल्म शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी। यह तमिल और मराठी फिल्म उद्योगी में प्रवेश करने के बाद पंजाबी सिनेमा में प्रवेश करेगा। मखन उर्ख के रूप में अम्मी विर्क, तानिया रिश्तल के रूप में सिस्ता के रूप में गुनगुन गिल, जुंगे के रूप में सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरसेस पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर चहल, अरनेक सिंह के रूप में जिदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, चढ़ गई गाने में डांसर के रूप में रिहाई। ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.5/5। कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंदा एक फली में दो मटर की तरह है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है। उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है। हालांकि वे चाचा भतीजे हैं, लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है, तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे। वो पागल, वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सरपद नहीं करता है। वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दांव पर लगा जाती है। और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म जगन को अपनी अद्वितीय रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक राश और अलग बताती, ये भावनाओं का तथ्य राकेश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है, ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं, और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को भवीभूत कर सकता है। इसमें तो प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिंधा गुग्गू गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी एक द्वारा अभिनीत है। बीच के बंधन के होगी कीमत फ्रेंचाइजी में हमने इमी को हमेशा गुग्गू की गिल से डरते हुए देखा है, क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आम और मखना में गुग्गू पड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताजा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है और उनका बंधन फिल्म का लगभग हर चीज पर हावी हो जाता है। ये तरफ जहां गुग्गू गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी, दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं, लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहां वो अपने चाचा को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है, और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का
प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के फिल्मोल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की ये फिल्म तानिया और इसी के साथ पंचवी फिल्म है। पिछली चार फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी भरने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग गया है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है जो किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यावहारिक और मनोत्तक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पाल, मुखविंदर चहल, सिद्दीकी शर्मा, दिदार गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है और हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन ऐसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ जमेजेदार और भावुक स्वभाव भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीख होती है वो है एक मजबूत रिश्ते। निर्देशक बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम करना सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है जो उस छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है लेकिन ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संबंधित कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है। सुर्खियों में आने के बाद इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने असी निकलते हुए किया जा सकता है। निक्का जैसे अदालत में थिएटर की पेशकश करने पर निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेता और निर्देशक को जोड़ी फिल्म की कई बार साझेदारी की थी जैसे कि निक्का जेलदार फ्रेंचाइजी के सभी तीन फिल्मों में मुकाबला और अंग्रेज वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के कथानक देशा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए प्रफुल्लित करने वाली लंबाई में जाते हैं। पूरी तरह से अराजकता लगा करती है वो खोजने के लिए उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है। इसे से लंबत को कटाते दावा बढ़ता जाता है। उनके परिवार को अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख खोजेंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक फली में पांच मटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट टूट है। उनका सौदाई हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है। वे चाचा और भतीजे हैं। उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसीलिए वो जल्द ही नजर में आखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो सिंधे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़की से शादी कर देते हैं। हर कोई इसे लगालत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है। वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है लेकिन ऐसा करने में सिंधा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी है। माखन और सिंधे के बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की
के पीछे पीछे जाना जाता है और यह अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टार कास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम शौकीन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह, जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत टू सिर्फ विर्क दिखाया गया, एक बार फिर एमी विर्क के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलपरी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे संगीत वीडियो में देखा। संगीत दावा है अन्न चाचा भतीजा चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं को शुरू करते हैं, अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतत और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतत में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जन सिंह और पीर के बीच छठा सहयोग न है, जिन्होंने पहले अंग्रेजी पंद्रह निकल जीत निकला जलदार निकला जलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में साथ काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया, जो सरेगमा इंडिया के फिल्म खास शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी। यह तमिल और मराठी फिल्म उद्योगी में प्रवेश करने के बाद पंजाबी निर्मा सिनेमा में प्रवेश करेगा। माखन उर्ख के रूप में अम्मी विर्क, तानिया रिश्तवाल के रूप में सिस्ता के रूप में गुनगुनी गिल, गुंडू के रूप में सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरसेस पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर चहल, अरनेक सिंह के रूप में दीदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, चढ़ गई गाने में डांसर के रूप में रिहाई। ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.5/5, कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंधा एक फली में दो मटर की तरह है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है, उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है। हालांकि वे चाचा भतीजे हैं लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है, इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे। वो पागल वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सरबत नहीं करता है, वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दाव पर लगा जाती है। और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के छी पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म जगन को अपनी उद्धृत रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक रास और अलग बताती, ये भावनाओं का तथ्य राकेश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है, ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को अभिभूत कर सकता है। इसमें तो प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिंधा गुग्गू गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी एक द्वारा अभिनीत है। बीच के बंधन के होगी कीमत फ्रेंचाइजी में हमने इमी को हमेशा गुग्गू की गिल से डरते हुए देखा है, क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आम और मखना में गुग्गू बड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताज़ा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है और उनका बंधक फिल्म का लगभग हर चीज़ पर हावी हो जाता है। ये तरफ
जहां गुग्गू गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी, दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं, लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहां वो अपने चाचा को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है, और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के फिल्मोल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की, ये फिल्म तानिया और इसी के साथ पंचमी फिल्म है। पिछली चार फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी भरने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग गया है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है जो किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पल, मुखविंदर चहल, सिद्दीकी शर्मा, दीदाद गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है और हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन कैसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ जमेजेदार और भावुक स्वभाव भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीख होती है वो है एक मजबूत रिश्ते निर्देशक। बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम करना सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है जो उस छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है लेकिन कि ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी है। कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संबंधित कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है। सुर्खियों में आने के बाद ये इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने असी निकलते हुए किया जा सकता है। अंजजीत निक्का जैसे अदालत में थिएटर की पेशकश करने पर निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेताओं निर्देशक को जोड़ी से फिल्म की कई बार साझेदारी की थी जैसे कि निक्का जेलदार फ्रेंचाइजी के सभी तीन फिल्मों में मुकाबला और अंग्रेज वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के कथानक देखा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए प्रफुल्लित करने वाली लंबाई में जाते हैं, पूरी तरह से अराजकता लगा करती है। वो खोजने के लिए उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है। इससे लंबत को कटाते दावा बढ़ता जाता है, उनके परिवार को अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख खोजेंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक फली में पांच मटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट है। उनका सौदाई हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है। वे चाचा और भतीजे हैं, उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसीलिए वो जल्द ही नजर में आखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो सिंधे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़की से शादी कर देते हैं।
हर कोई उसे गलत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है। वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में शिंदा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी है। माखन और शिंदे के बुरे बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की के पीछे जाना जाता है और यह अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टारकास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम शौकेन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह, जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत टू सिर्फ विर्क के दिखाया गया, एक बार फिर एमी विर्क के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलपरी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे संगीत वीडियो में देखा। संगीत दावा है अन्न चाचा भतीजा चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं के शुरू करते हैं, अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतत और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतत में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जानी सिंह और पीर के बीच छठा सहयोगना है, जिन्होंने पहले अंग्रेजी पुनरा निकल जीत निकला जेलदार निकला जेलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में साथ काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया, जो सरेगमा इंडिया के फिल्म खास शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी। यह तमिल और मराठी फिल्म उद्योगी में प्रवेश करने के बाद पंजाबी निर्मा सिनेमा में प्रवेश करेगा। माखन उर्ख के रूप में अम्मी विर्क, तानिया रिस्तल के रूप में सिस्ता के रूप में गुनगुनी गिल, जुंगे के रूप में सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरशेष पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर चहल, अरनेक सिंह के रूप में दीदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, चढ़ गई गाने में डांसर के रूप में रिहाई। ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.5/5। कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंधा एक फली में दो मटर की तरह है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है। उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है, हालांकि वे चाचा भतीजे हैं लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे। वो पागल वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सरपद नहीं करता है। वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है, हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दांव पर लगा जाती है। और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म जगन को अपनी अद्वितीय रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक राश और अलग बताती ये भावनाओं का तथ्य राकेश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है, ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को भवीभूत कर सकता है।
हम इसमें प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिद्धा गुग्गू गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी एक द्वारा अभिनीत है। बीच के बंधन के होगी कीमत फ्रेंचाइजी में हमने इमी को हमेशा गुग्गू की गिल से डरते हुए देखा है, क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आम और मखना में गुग्गू पड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताज़ा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है और उनका बंधन फिल्म का लगभग हर चीज़ पर हावी हो जाता है। ये तरफ जहां गुग्गू गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी, दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं, लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहां वो अपने चाचा को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है, और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के फिल्मोल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की, ये फिल्म तानिया और इसी की साथ पंचमी फिल्म है। पिछली चार फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है, जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी बनने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग गया है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है, जो किसी भी चीज से ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है, बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पल, मुखविंदर चहल, सिद्धिकी शर्मा, दिदात गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है, और हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन ऐसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ जमेजेदार और भावुक स्वभाव भी है, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीख होती है वो है एक मजबूत रिश्ते निर्देशक। बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम करना सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है, जो उस छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है, लेकिन कि ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी है। कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संगीत कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है। सुर्खियों में आने के बाद इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने असी निकलते हुए किया जा सकता है। अंजित निक्का जैसे अदालत में थिएटर की पेशकश करने पर निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेता और निर्देशक को जोड़ी से फिल्म की कई बार साझेदारी की थी, जैसे कि निक्का जेलदार फ्रेंचाइजी की सभी तीन फिल्मों में मुकाबला और अंग्रेज वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के कथानक देखा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए प्रफुल्लित करने वाली लंबाई में जाते हैं, पूरी तरह से अराजकता लगाया करती है। वो खोजने के लिए उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है। इसे ऐसे लंबत को कटाते हैं दावा बढ़ता जाता है उनके परिवार को अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख खोजेंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक
फली में पांच मटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट टूट है। उनका सौदाय हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है। वे चाचा और भतीजे हैं। उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है, इसीलिए वो जल्द ही नजर में आंखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को, अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो सिंधे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़की से शादी कर देते हैं। हर कोई उसे लगालत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है। वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में शिंदा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी। माखन और शिंदे के बुरे बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की के पीछे जाना जाता है और या अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टार कास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम शौकीन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह, जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत टू सिर्फ विर्क दिखाया गया, एक बार फिर एमी विर्क के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलबड़ी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे संगीत वीडियो में देखा। संगीत दावा अन्न चाचा भतीजा चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं को शुरू करते हैं, अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतत और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतत में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जानी सिंह और पीर के बीच छठा सहयोग न है, जिन्होंने पहले अंग्रेजी 2015 निकला जलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में साथ काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया, जो सरेगमा इंडिया के फिल्म खास शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी यह तमिल और मराठी फिल्म उद्योगी में प्रवेश करने के बाद पंजाबी निर्मा सिनेमा में प्रवेश करेगा। माखन उर्ख के रूप में अम्मी विर्क, तानिया रिश्तन के रूप में सिस्ता के रूप में गुनगुनी गिल, जिंगू के रूप में सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरशेष पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर टहल, अरनेक सिंह के रूप में दीदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, चढ़ गई गाने में डांसर के रूप में रिहाई। ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.5/5। कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंधा एक फली में दो मटर की तरह है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है। उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है। हालांकि वे चाचा भतीजे हैं, लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है, तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे। वो पागल, वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सहर्पत नहीं करता है। वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दांव पर लगा जाती है। और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म जगन को अपनी अद्वितीय रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक राश और अलग बताती, ये भावनाओं का तथ्य राकेश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा
निर्देशित ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है। ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को भविभूत कर सकता है। हम इसमें प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिद्धा गुग्गू गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी एक द्वारा अभिनीत है। बीच के बंधन के होगी कीमत फ्रेंचाइजी में हमने इमी को हमेशा गुग्गू की गिल से डरते हुए देखा है, क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आम और मखना में गुग्गू पड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताज़ा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है और उनका बंधन फिल्म का लगभग हर चीज़ पर हावी हो जाता है। ये तरफ जहां गुग्गू गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी, दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं, लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहां वो अपने चाचा को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के फिल्मोल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की, ये फिल्म तानिया और इसी की साथ पंचमी फिल्म है। पिछली चार फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी बनने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग गया है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है जो किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यवहारिक और मनोहत्तक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पाल, मुखविंदर चहल, सिद्धिकी शर्मा, दिदात गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है और हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन ऐसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सोटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ जमेजेदार और भावुक स्वभाव भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीख होती है वो है एक मजबूत रिश्ते। निर्देशक बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम करना सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है जो उसे छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है, लेकिन कि ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संबंधित कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है। सुर्खियों में आने के बाद इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने असी निकलते हुए किया जा सकता है। अंजजीत निक्का जैसे अदालत में थिएटर की पेशकश करने पर निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेताओं निर्देशक को जोड़ी से फिल्म की कई बार साझेदारी की थी, जैसे कि निक्का जेलदार फ्रेंचाइजी के सभी तीन फिल्मों में मुकाबला और अंग्रेज वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई, हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के कथानक देशा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए प्रफुल्लित करने वाली लंबाई में जाते हैं, पूरी तरह से अराजकता लगा करती है। वो खोजने के लिए
उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है। इसे से लेम्बत को कटाते हैं दावा बढ़ता जाता है। उनके परिवार को अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख खोजेंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक फली में पांच मटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट टूट है। उनका सौदाई हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है। वे चाचा और भतीजे हैं। उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसीलिए वो जल्द ही नजर में आखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो सिंधे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़की से शादी कर देते हैं। हर कोई उसे लगालत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है। वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में सिंधा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी है। माखन और सिंधे के बुरे बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की के पीछे जाना जाता है और यह अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टार कास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम शौकीन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह, जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत टू सिर्फ विर्क दिखाया गया, एक बार फिर एमी विर्क के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलबड़ी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे संगीत वीडियो में देखा। संगीत दावा है अन्न चाचा भतीजा चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं को शुरू करते हैं, अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतत और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतत में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जानी सिंह और पीर के बीच छठा सहयोग न है, जिन्होंने पहले अंग्रेजी जीत निकला जलदार निकला जलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में साथ काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया, जो सरेगमा इंडिया के फिल्म खास शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी। यह तमिल और मराठी फिल्म उद्योगी में प्रवेश करने के बाद पंजाबी निर्माण सिनेमा में प्रवेश करेगा। माखन उर्ख के रूप में अमी विर्क, तानिया रिश्तन के रूप में सिस्ता के रूप में गुनगुनी गिल, जुंगे के रूप में सिद्दीकी वर्मा, गर्दिल गिल, तरशेस पॉल, सतनत कौर, सुखविंदर चहल, अरनेक सिंह के रूप में दीदार गिल, परमवीर गिल, मंजू पहल, रज के कौर, सपना चचोड़ी, जर गई चढ़ गई गाने में डांसर के रूप में रिहाई। ये फिल्म मूल रूप से 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में रिलीज की शेड्यूल के साथ इसे 4 नवंबर 2022 तक धकेल दिया गया है। आलोचकों से रेटिंग 3.5/5, कहानी 25 वर्षीय मखन और उनकी चचा सिंधा एक फली में दो मटर की तरह है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार बेगत है, उनका सगाई हर किसी के दोस्तों के लगभग लाभ देता है। हालांकि वे चाचा भतीजे हैं, लेकिन उनका रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसलिए माखन जब पहली नज़र में रिश्वल के प्यार में अपना दिल हार जाता है, तो वो उससे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने चाचा को बताता है, अपने पिता को नहीं। अब सीधा ये सुनिश्चित करने के लिए ये संभर कोशिश करते हैं कि उसका भतीजा उसके सपनों को लड़की के शादी करे। वो पागल वो गलत या सखी तरीकों की वास्तव में सहमत नहीं करता है। वो अपने माखन का खुश देखने के लिए कभी भी हद तक जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में सीधा माखन की शादी गुड्डी नाम की गलत लड़की से तय कर देती है। माखन और शिक्षा के बुने मूठ झूठ के वो हर रिश्ता उलझ जाता है और परिवार की इज्जत दांव पर लगा जाती है। और फिर माखन अंत में फैसला करती है कि क्या वो अपने सपनों की लड़की के पीछे जाता है, अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। समीक्षा जवाबी फिल्म
जगन को अपनी अद्वितीय रोमांटिक कॉमेडी के साथ दर्शकों की सेवा करने के लिए हमेशा सराहा गया है और मखना इसका एक आदर्श अपहरण है। हालांकि जो बात इस फिल्म का अन्य पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी से जोड़ा अधिक राश और अलग बताती, ये भावनाओं का तथ्य केश धवन द्वारा लिखे गए सिमरजीत सिंह द्वारा निर्देशित ये फिल्म सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों कहती है। ये एक चाचा और भतीजे की कहानी है, ये एक युवा प्रेम की कहानी है जो बस अपने भाग्य की पूरा करने की इच्छा रखते हैं और ये भावनाओं के लेख लिखा है जो हर किसी की दिल को भवीभूत कर सकता है। इसमें प्रत्येक कहानी के बारे में एक करके बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिंधा गुग्गु गिल द्वारा अभिनीत है और मखन जैसी एक द्वारा अभिनीत है। बीच के बंधन के होगी कीमत फ्रेंचाइजी में हमने इमी को हमेशा गुग्गु की गिल से डरते हुए देखा है क्योंकि वो अपने प्यार का कभी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आम और मखना में गुग्गु पड़ी तरह से टीम एमी के पक्ष में है। ये ताजा रिश्ता आपको हर बार मुस्कुराता है और उनका बंधक फिल्म का लगभग हर चीज पर हावी हो जाता है। ये तरफ जहां गुग्गु गिल की कॉमिक्स टाइमिंग्स और शरारतें आपको हंसी के गुदगुदाने की बड़ी, दूसरी तरफ जिस तरह हर मासूम के लिए उनका दिल रोता है वो आपको रुला देता है। इसी तरह शुरू में जिसमें अम्मी विर्क अपने आकर्षक और कॉमेडी से दिल जीतते हैं, लेकिन बाद में एक दृश्य आता है कि जहां वो अपने चाचा को चोट पहुंचाने के लिए खुद को सजा देते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है और यहीं से आपकी आंखें फिर से नम हो जाती है। एक व्यक्ति के रूप में और एक टीम के रूप में दोनों का प्रदर्शन फिल्म का प्रमुख आकर्षक है। फरमाइश की बात करें तो अब तक करने के फिल्म के फीमेल लीड फिल्म पर भूमिका तानिया की, ये फिल्म तानिया और इसी के साथ पंचमी फिल्म है। पिछली चार फिल्मों में से इसमें तानिया को या तो एक बहुत ही विनम्र घरेलू लड़की या एक युवा महिला के रूप में देखा जा सकती है जो अम्मी के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी बनने की शौकीन है। हालांकि इस बात पर पता पास पलट भाग गया है। इस पलट में तानिया इसी में प्रयासों पर कहीं ध्यान नहीं देता है। वो एक खूबसूरत स्वतंत्र लड़की की भूमिका निभा रही है जो किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती है। वो व्यवहारिक और मनोहत्तक दोनों है और खुद को संभालता जाती है। मूल रूप से वो संकट में अपनी निमित्त युवती नहीं है बल्कि एक मजबूत आधुनिक महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन तीन मुख्य अभिनेताओं के अलावा फिल्म ने तरसेम पाल, मुखविंदर चहल, सिद्धिकी शर्मा, दिदात गिल और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। प्रत्येक अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ अन्याय किया है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखना सुनिश्चित किया है। फिल्म में एक भी पात्र या अभिनेता ऐसा नहीं था जो स्क्रिप्ट में जबरदस्ती डाला गया है और हर कोई का कहानी में अपना योगदान था। जब कहानी में और निर्देशक और आते हैं तो राकेश धवन अच्छे तरह से जानते हैं कि कॉमेडी और संवेदनशीलता का संतुलन ऐसे रखा जाता है। ये एक तरफ जहां फिल्म का कंटेंट अपने आप में बहुत प्यारा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को सटाई करने वाले डायलॉग भी कमाल के हैं। ईमानदारी से कहूं तो फिल्म में कुछ जमेजेदार और भावुक स्वभाव भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको साथ रहेंगे। संवादों के अलावा एक अच्छी पटकथा को जो तारीख होती है वो है एक मजबूत रिश्ते। निर्देशक बॉलीवुड में सिमरजीत सिंह ने साथ काम करना सबसे आसान निर्देशक कहा जाता है जो उस छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म पर काम किया। उनका निष्पादन हमेशा निर्दोष के बहुत करीब आता है और ये फिल्म में देखा जा सकता है। हालांकि हमें फिल्म की लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर है, लेकिन ये कुछ जगहों पर थोड़ी फिर भी कुल मिलाकर फिल्म एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, सही निष्पादन, शानदार प्रदर्शन और दिल को छू लेने वाली संगीत के साथ एक संयुक्त मनोरंजन है। पंजाब फिल्म उद्योग के संघ से संबंधित कलाकारों में से एक और गायक एमी विर्क अपनी अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन रखता है। सुर्खियों में आने के बाद इसका जिक्र सिमरजीत सिंह ने असी निकलते हुए किया जा सकता है। अंजित निक्का जैसे अदालत ने थिएटर की पेशकश करने पर निर्देशक है। जेलदार और अन्य अभिनेता और निर्देशक को जोड़ी से फिल्म की कई बार साझेदारी की थी, जैसे कि निक्का जेलदार फ्रेंचाइजी की सभी तीन फिल्मों में
मुकाबला और अंग्रेज वो फिल्म जिसने 2015 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म और चौथी फिल्म बनाई हमेशा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के कथानक देखा माखन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक लड़की की आंखों में देखने के बाद उसे प्यार में पड़ जाती है। वो और उसके चाचा उसे उसके साथ ठीक करने के लिए प्रफुल्लित करने वाली लंबाई में जाते हैं, पूरी तरह से अराजकता लड़ाई करती है वो खोजने के लिए। उन्होंने वास्तव में पूरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर देती है। इसे लंबत को कटाते हैं दावा बढ़ता जाता है उनके परिवार को, अखंडता को खतरा होता है। क्या माखन अपने सपनों की लड़की के साथ रहने की तारीख खोजेंगे? 25 साल का माखन और उसका चाचा सिंधा एक फली में पांच मटर की तरह है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार टूट है। उनका सौदाई हर किसी को मित्रता लंबाई प्रदान करता है। वे चाचा और भतीजे हैं, उनका रिश्ता पिता और पुत्र के रिश्ते के बराबर है। इसीलिए वो जल्द ही नजर में आखन निम्पल के प्यार में अपना दिल खो देता है। तो वो पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने चाचा को बताता है कि अपने पिता को वो सिंधे हर संभव कोशिश करते हैं और उनका भतीजे उनके अपनों को लड़की से शादी कर देते हैं। हर कोई उसे लगालत या सही तरीके से कहीं परवाह नहीं है। वो अपने माखन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में सिंधा ने गुड्डी नाम को बूढ़ी लड़की के साथ माखन की शादी तय कर दी है। माखन और सिंधे के बुरे बुने झूठ में अब हर रिश्ता उलझता रहता है और परिवार की इज्जत दांव पर लग रही है। और फिर माखन अंत में स्पष्ट करता है कि क्या वो अपने सपनों को लड़की के पीछे जाना जाता है और यह अपने परिवार के प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। स्टारकास्ट एमी विर्क ने हाल ही में रिलीज किया रोम कम शौकीन रिकॉर्ड बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार उद्योग रिकॉर्ड पुरुष भूमिका निभा रहे हैं। आगे मखना कलाकार तानिया सिंह, जिन्होंने आखिर बन रोमांटिक ड्रम्स किस्मत टू सिर्फ विर्क दिखाया गया, एक बार फिर एमी विर्क के साथ है। प्रिया जोड़े के साथ आए मखना के साथ साथ कलाकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स गुड्डू गिल और सिद्धिका शर्मा, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्म में काम किया है। फुलबड़ी ने हार्डी सिंधु के साथ ना जाने जैसे गंगीत वीडियो में देखा। संगीत दावा अन्न चाचा भतीजा चाचा और भतीजा फार्मूला अक्सर हिंदी फार्मूला में देखा जाता है। आमतौर पर अपराध में भागीदार छोड़े आत्मविश्वास के साथ विचित्र योजनाओं के शुरू करते हैं, अक्सर विनाशकारी अंत के साथ मिलते हैं। जुग्गू गिल और अम्मी विर्क क्रमशः चुटुली जोड़ी सिंधा और मखना की भूमिका निभाते हैं, जो पिता और पुत्र की तरह है लेकिन एक अंतत और साथ है। दोनों सब शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंतत में ले रहे हैं। मखना निरंतरता और कल्पना मुक्त है और उसकी पत्नी के देश में बाहर आने के पर उनके चाचा को हुई खुली छूट मिल जाती है। आए मखना सिर्फ मिर्जानी सिंह और पीर के बीच छठा सहयोग न है, जिन्होंने पहले अंग्रेजी 2015 निकला जेलदार 2019 पर मुकदमा 2019 में साथ काम किया। एक और सहयोगी के चिन्हित करते हुए फिल्म का निर्माण शेड्यूल फिल्म के बैनर तले किया गया, जो सरेगमा इंडिया के फिल्म खास शाखा जिसमें पहले साल घोषणा की थी यह तमिल और मराठी फिल्म दो की में प्रवेश करने के बाद पंजाबी निर्माण सिनेमा में प्रवेश करेगा।